स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में और आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवलॉगर संजय में। तो भाई आपके थाईलैंड की पूरी सीरीज चल रही है और ये उस सीरीज का एक और नया वीडियो है, नया पार्ट है। आज अपन आए हुए हैं वो है टर्मिनल 21 मॉल जो कि पटाया में स्थित है और ये है आपका पीछे टर्मिनल 21 मॉल पूरा आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये आप देखिए ज़रा पूरा इतना बड़ा वहाँ एंड तक इस मॉल को बनाया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको थाईलैंड की पूरी सीरीज जो है वो देखने को मिले। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना, क्योंकि सारी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो इसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ इन्होंने पूरा का पूरा प्लेन खड़ा किया हुआ है, एक प्लेन यहाँ पे है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं और एक प्लेन जो है अपने बिल्कुल सामने है वहाँ पे। तो ले चुके हैं एंट्री टर्मिनल 21 मॉल के अंदर और इसमें बेसिकली जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ की जो कल्चर है या आप ये कह सकते हैं कि हाँ अलग अलग कंट्रीज़ में कैसी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एक जगह दिखाई हुई हैं। तो अभी हम जो है पेरिस वाले की तरफ जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे मिनी पेरिस। इसी तरीके से आपको अलग अलग कंट्रीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं पेरिस की तरफ। तो ये है यहाँ का छोटा सा मार्केट इन्होंने बनाया हुआ है पेरिस के टाइप का, इसमें आपको खाने पीने की चीज़ें और कपड़े वगैरह उस टाइप की सभी चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। रोहित भाई ने एक और डिश ली है, क्या है भाई ये क्या लिया आपने? ब्लूबेरी स्वीट। कैसी है हमें भी दिखाओ यार कैसी है। ये क्या है? ये फ्रेश मिल्क। और ये एप्पल। अपन एप्पल ट्राई करेंगे। और कितने की है? 20 बात ईच, 50 बात। तो भाई आप लेने वाले यहाँ की फेमस कोकोनट मिल्क आइसक्रीम, अभी कैसे बनती है दिखाते हैं आपको। इसमें क्या है, कोकोनट को यूज किया जाता है और मिल्क के साथ में उसको एकदम चिल्ड एकदम आइसक्रीम की तरह कोकोनट को जो है बना करके मिल्क के साथ और कुछ उसके ऊपर जो है चॉकलेट या ब्राउनी वगैरह डाल के और फिर आपको सर्व किया जाता है। और ये पड़ेगी आपको 59 बात की। पेरिस से अब सीधा अपन निकलने वाले लंदन के लिए जो कि इसी के फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ से हम जाएंगे लंदन के लिए फर्स्ट फ्लोर पे।
स्वागत है आप सभी का टर्मिनल 21 के लंदन पे। तो बेसिकली ये एक मॉल है जिसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, बस इसका फ़र्क ये है कि इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की हिसाब से इन्होंने इसको बनाया हुआ है, किस कंट्री में क्या चीज़ स्पेशल कुछ मिलती है वो इसमें और कंट्री के अकॉर्डिंग ऐड करी हुई है हर फ्लोर पे। बाकी चीज़ें वही हैं मॉल में सारी जो ख़रीदारी करने के लिए मिलती है, अपने कपड़े हो गए, जूते हो गए, कुछ खाने पीने की चीज़ें, जैसा भी मॉल में हर जगह होता है उस हिसाब से, बस हर कंट्री के हिसाब से कुछ जो स्पेशल होता है वो और ऐड कर दिया गया है हर फ्लोर पर कंट्री के अकॉर्डिंग। भाई कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ यूनिक नहीं है, जैसा मॉल होता है वैसा मॉल है, बस यूनिक यही है कि इन्होंने इसको कंट्री के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि हर कंट्री की चीज़ें मोस्टली, मतलब मोस्ट जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी जो चीज़ें हैं सारी एक साथ देखने को आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली ये एक मॉल है तो इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अंदर आ सकते हैं जैसे भी आप मॉल में जाते हैं। हाँ, खर्चा जो आप करेंगे, जो सामान खरीदेंगे उसका पैसा आपका लगेगा, तो टिकट वगैरह कुछ नहीं है, आप अंदर आओ अपने खर्चे के हिसाब से पैसा ले खर्च करो, बस जो भी आप सामान खरीद रहे हो उसके हिसाब से पैसा खर्च करो। और अब अपन लंदन से निकल के घुसने वाले हैं इटली के अंदर, जो कि आपका इससे ऊपर वाले फ्लोर पर है। तो ये है अपना इटली का अराइवल। और ये है आपका रोमियो जूलियट का स्टैचू, नीचे जो है रोमियो है, ऊपर आपको देखने को मिलेंगी जूलियट।
ठीक है कुल मिला के ये चीज। तो ये था आपका इटली और अब होने वाला अपना डिपार्चर फ्रॉम इटली। इटली से निकलने वाले हैं, इटली से हुआ डिपार्चर और अराइवल होगा अपना टोक्यो में। टोक्यो वाले फ्लोर में आपको बच्चों के खिलौने देखने को बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि टोक्यो में आपको पता ही है खूब सारे गेम्स और खिलौनों की चीज़ें जो रहती हैं। वहाँ का कल्चर ऐसा है कि हाँ वहाँ पे गेम्स और ऐसी चीज़ें काफ़ी जो है तादाद में रहती हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा हर टाइप के जो है खिलौने और गेम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। Thank you.
भाई जैसा कि आपको पता है टोक्यो जो है गेम्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की गेम्स की वैरायटी मिलेगी। और अभी मैं कुछ वैरायटीज का जितना यहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ मोस्ट ऑफ द उनमें से, और बहुत ही बढ़िया तरीके की मतलब गेम्स हैं यहाँ पे, आपने ऐसी देखी भी नहीं होंगी बाकी में, मतलब बिल्कुल जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हैं ना, कुछ गेम्स की मूवी वगैरह आती है उस टाइप की सारी गेम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको जितना मतलब दिखा सकते हैं आपको। पता नहीं भाई किसी तरीके की गेम से अपने तो समझ में नहीं आती, समझ से बाहर है, लेकिन इन लोगों का कल्चर है और ऐसे सारे गेम्स जो हैं लोग बनाते हैं खेलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। बट देखने में इतना अच्छा लग रहा है, मतलब वाकई में काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं लगा कि यहाँ के कोई गलती करी, या फिर होता ना कई बार अपन जाते हैं कि यार गलत ही उससे गए, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ये टर्मिनल 21 मॉल मतलब बहुत सही है, बहुत सही। तो होता है डिपार्चर फ्रॉम टोक्यो और अराइवल होने वाला है सैन फ्रांसिस्को में। ये है आपका सैन फ्रांसिस्को का अराइवल और ये है आपका साइड में ब्रिज, और ब्रिज इन्होंने जो है गाड़ियों के साथ में बनाया है। ये आप देखिए सारी जो है आपको गाड़ियाँ भी दिखाई देंगी इसके अंदर आगे तक, लाइटिंग वाइटिंग करके प्रॉपर जैसा ब्रिज होता है वो वैसा ही बनाया हुआ है इन्होंने। और ये भैया आपने बाहुबली जो इसको
रस्सियों को लेकर के, जैसे उसने मूर्ति को रोका था वैसे इन्होंने ब्रिज को रोका हुआ है। एक और ब्रिज आ गए, यहाँ भी बनती है फोटो। तो आपको यहाँ पे 5 कंट्रीज़ के जो हैं मिलेंगे पूरे मॉल में फ्लोर बाय फ्लोर, जिसमें शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी पेरिस से। पेरिस है, फिर लंदन है, फिर इटली है, फिर टोक्यो है, और फिर लास्ट आपका सेंट फ्रांसिस्को। तो ये 5 कंट्रीज़ का इसमें आपको जैसा वहाँ पे है उसी का एक तरीके से आप छोटा रूप मान सकते हैं, उस तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, आप आएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, सारी जगह की जो है आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो भाई करते हैं अपने वीडियो को एंड, क्योंकि पूरी चीज़ें अपने टर्मिनल 21 मॉल की कवर हो चुकी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सीरीज़ पूरी चल रही है अपनी थाईलैंड की, पटाया की। तो सारे जो वीडियोज़ हैं आपको देखने को मिलते रहेंगे, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट जगह पर। टिल देन बाय, जय हिंद।